नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का दो दिवसीय कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु स्थित राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भेंट की है, दोनों के बीच देर तक कई विषयों पर चर्चा हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने बीएस येदियुरप्पा को सम्मानित किया, येदियुरप्पा को साल 2021 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किया गया। बिरला ने कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद को संबोधित भी किया। लोकतंत्र, संसदीय मूल्यों की रक्षा विषय पर संबोधित किया गया और कहा गया कि जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो भावना हमारे विधायी को ज्यादा जागरूक, कर्तव्य परायण, ईमानदार और जिम्मेदार बनाने की थी, ताकि लोगों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों पर व्यापक चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। इसमें विधायकों की ज्यादा सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ताकि बनने वाले कानूनों पर कोई सवाल ना उठाया जा सके। देखा जा रहा है कि विधानमंडलों में कानून बनाते समय जिस तरह की व्यापक चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही, ये चिंता का विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और उनकी कठिनाइयों को करीब से समझते हैं, और इसलिए कानून बनाते समय उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें कानून बनाते समय ज्यादा सक्रिय भागीदारी का प्रयास करना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और सदन में कोई बाधा या हंगामा नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 5 दिवसीय राजस्थान दौरे की। 26 से 30 सितंबर तक जैसलमेर और जोधपुर में रहेंगे उपराष्ट्रपति। 26 सितंबर को वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगे जैसलमेर एयरबेस। शाम 4 बजे लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 के शहीदों को नमन किया जाएगा। 27 सितंबर को जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का विजिट भी करने वाले हैं। 28 सितंबर को आईआईटी जोधपुर में एक उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। इसके अलावा तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला पोस्ट, वॉर म्यूजियम, मेहरानगढ़ दुर्ग, डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रैंड इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण को लेकर भी वो व्यवस्थाओं को देखें। इसके बाद शौर्य स्थल पर हथियारों, सैन्य वाहनों और टैंकों को देखने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद बबलियांवाला आउटपोस्ट विजिट का भी कार्यक्रम है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारी को लेकर बैठक भी की। रिटायर्ड अधिकारी करेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के मॉनिटरिंग। सरकार ने ऑब्जर्वर के तौर पर 1 IAS और 8 RAS को नियुक्त किया। 31 मार्च तक देंगे सेवाएं। 3 रिटायर्ड टाउन प्लानर भी अभियान में लगाए गए। इन अधिकारियों को 40 से 50 हजार रुपए का फिक्स वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा आने जाने की गाड़ियां भी संबंधित एजेंसियां उपलब्ध करवाएंगी। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में रिटायर्ड RAS कृष्णा अवतार त्रिवेदी, बीकानेर में मिठू सिंह, भरतपुर में माता राम रिणवा, जयपुर में NP शर्मा, कोटा में RD मीणा, जोधपुर संभाग में रिटायर्ड IAS श्याम सिंह राज पुरोहित, उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में RP शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी अधिकारी निकायों में लगने वाले शिविरों की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट हर सप्ताह सरकार के सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजेंगे। अधिकारियों को 40 से 50 हजार का फिक्स वेतनमान दिया जाएगा। रिटायर्ड एडिशनल चीफ टाउन प्लानर चंद्रशेखर पाराशर को नगर निगम जयपुर ग्रेटर की जिम्मेदारी दी गई। सीनियर टाउन प्लानर सुग्रीव सिंह को नगर विकास न्यास UIT बीकानेर। सीनियर टाउन से रिटायर्ड हुए SK श्रीमाली को UIT उदयपुर लगाया गया है। टाउन प्लानर इन UIT और निकाय क्षेत्र में टाउन प्लानिंग संबंधित कार्य जैसे कि जोनल प्लान, डेवलपमेंट प्लान, सेक्टर प्लान से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करें और उन बाधाओं को दूर करवाने और मॉनिटरिंग का काम भी संभालें। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुनर्गठन के प्रस्ताव की फाइल को मंजूरी दे दी है। त्रिस्तरीय ऑडिट स्ट्रक्चर बनेगा एवं साइबर सेल गठित होगी। एंटी वेजन विंग का नाम बदलकर किया जा रहा एनफोर्समेंट विंग। राज्य और जोनल स्तर पर बड़े और जटिल मामलों की ऑडिट सुनिश्चित होगी।
करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टैक्स पेयर केयर यूनिट बनेगी, राज्य कर अकादमी बनेगी, आधुनिक अत्याधुनिक विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर हो, जोन नियमित सर्किल और वार्डों की बढ़ाई जा रही संख्या, वहीं अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किए गए, 15 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, विभाग के कैडर की संख्या बढ़ाकर अब 1833 हो जाएगी, भिवाड़ी में बनेगा नया जोन, प्रशासनिक जोन की संख्या 16 हो जाएगी, जोन जयपुर 4 और जोधपुर 2 को कार्यात्मक बनाया जाएगा, नियमित सर्किल की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ाकर 82 से 135 की जाएगी, नियमित वार्डों की संख्या भी 296 से 320 की जाएगी, करदाताओं की सुविधा के लिए कोटा में अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय बनाया जाएगा, करदाताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा, कर संग्रहण व्यवस्था सुगम होगी। रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। नए सेंटर को लेकर महिला अभ्यर्थी हो रही परेशान, सेंटर चेंज होने के बाद अभी तक नहीं हुआ नए सेंटर का अपडेशन, महिला अभ्यर्थी कर रही नए सेंटर जानने की कोशिश, लेकिन अभी तक साइट पर अपडेट नहीं हुआ नया सेंटर। अब जरा सोचिए, परसों एग्जाम है, अभी तक सेंटर अपडेट नहीं हुआ है, और अगर एक महिला का सेंटर 500-400 किलोमीटर दूर डाल दिया गया तो फिर क्या होगा। विभाग में महिलाओं से सेंटर चेंज करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई थी, हालांकि महिला अभ्यर्थियों के पास सेंटर चेंज होने का मैसेज आ गया था, लेकिन अभी तक नए सेंटर का महिला अभ्यर्थियों को पता नहीं चल पाया। ऐसे में कम समय होने पर बढ़ रही महिला अभ्यर्थियों की चिंताएं। 26 सितंबर को है प्रदेश की सबसे बड़ी रीट भर्ती परीक्षा, हालांकि जिनके सेंटर चेंज किए गए होंगे यकीनन उनको नजदीक लगाया गया, उनका सेंटर नजदीक होगा, क्योंकि जब डीपी जारोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर किसी और तरीके की समस्याएं हैं, अगर वो हमें आवेदन देंगे तो उनके सेंटर को गृह जिले में डाल दिया जाए। मुमकिन है कि ये वही ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिनको भरा गया है, उसके बाद मैसेज तो आ गया कि आपका सेंटर चेंज हो गया, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रहा। फर्स्ट इंडिया अपील भी करेगा कि जो ये महिलाएं हैं इनके एडमिट कार्ड को जल्द से जल्द अपलोड किया जाए, ताकि इनको पता चले कि इनके गृह जिले के अंदर भी अगर इनका सेंटर आया तो वो कितनी दूर है। हो सकता है कुछ महिलाओं को जाने में परेशानी हो, एक दिन पहले जाना चाहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जयपुर में हैं, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय समारोह समिति के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली धानक्या में कार्यक्रम होगा। जयपुर पहुंचने के बाद धनखड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत और कहा कि आत्मनिर्भर भारत और अमृत महोत्सव पर व्याख्यान है, कार्यक्रम आज के लिहाज से बेहद अहम है। गत 12 मार्च से 75 सप्ताह के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। देश में हम आजादी में लोगों को याद रखें जिन्होंने योगदान दिया, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह मील का पत्थर साबित होगा, भारत निरंतरता से ऊपर उठ रहा है, भारत की नई पहचान बनी है, प्रधानमंत्री का विशिष्ट स्थान है विश्व के नेताओं में, हर भारतीय गर्व करता है भारतीय होने पर। दुनिया में कहीं भी जाइए भारत की चर्चा जरूर होती है। ऐसे में भारतवासियों से आह्वान करूंगा कि वी मस्ट गेट ऑफ नेगेटिविटी, वी मस्ट बिलीव इन अवर इंक्लूजन, वी मस्ट बी पार्ट ऑफ ग्रेटर जन, और जैसी केंद्र की नीतियां हैं उसके हिसाब से भारत जरूर विश्व गुरु बने। बात करते हैं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। राहुल गांधी रघु शर्मा मुलाकात पर लेटेस्ट अपडेट, दोनों नेताओं के बीच 40 से 45 मिनट तक मुलाकात हुई। राहुल ने रघु शर्मा से फीडबैक लिया, राजस्थान के राजनीतिक हालात पर फीडबैक लिया है। राहुल से दिल्ली मिलकर गदगद नजर आए, रघु शर्मा और जयपुर लौट रहे हैं। तो राहुल गांधी की हाल ही में सचिन पायलट से भी मुलाकात हुई थी, और अब राहुल गांधी की रघु शर्मा से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच 40 से 45 मिनट तक मुलाकात हुई। राहुल ने रघु शर्मा से फीडबैक लिया है, राजस्थान के राजनीतिक हालात पर फीडबैक लिया गया है।
राहुल से मिलकर गदगद भाव से जयपुर लौट रहे हैं रघु शर्मा। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, इसको समझना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर ही, क्योंकि अगर राहुल गांधी को फीडबैक लेना है तो अजय माकन से ले सकते हैं, सीपी जोशी से ले सकते हैं, अशोक गहलोत से ले सकते हैं, या फिर सचिन पायलट से ले सकते हैं। रघु शर्मा से राजनीतिक तौर पर फीडबैक लेना, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, इसमें इसको दो तीन एंगल हैं। पहला, रघु शर्मा राजस्थान से मंत्री तो हैं, लेकिन दिल्ली के मंत्री से करीबी माने रहे हैं, तो दिल्ली के करीबी नेता रहे हैं। तो अगर फीडबैक लेना हो, ओरिजिनल ऑथेंटिक फीडबैक हो कभी, तो रघु शर्मा जी से लिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि अभी हाल ही के दिनों में सीपी जोशी ने कुछ कुल 4-5 मंत्रियों के बारे में ये फीडबैक दिया है कि वो विधानसभा उन 5 मंत्रियों की सफाई के तौर पे भी माना जा सकता है कि रघु शर्मा वहां गए हों। तीसरी बात ये है कि हाल ही में, मतलब दिवाली से ठीक पहले ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर सब चीजें होंगी, तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है रघु शर्मा जी से और तमाम तरीके की आगामी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और उन सबसे बातचीत कर रही हो, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी दिल्ली नहीं जा पा रहे, तो हो सकता है कि रघु शर्मा जी उस बिहार पे जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कयास हैं, लेकिन विजेंद्र हम लगातार कोशिश करेंगे ये जानने की एक्चुअल में 1-to-1 दोनों की क्या बातचीत हुई। पर ये मान लीजिए कि राजस्थान, आगामी चुनाव, रणनीति, संगठन और जो मसले चल रहे हैं उसको सुलझाने की कवायद, और इनफैक्ट जो सीपी जोशी साहब से भी तमाम चीजें जो लिंक है, उन सभी मुद्दों पर रघु शर्मा जी को बुलाया गया और बातचीत की गई। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी के बिहाफ में कितना सही है, अगर वो फीडबैक ले भी रहे तो ये कितना सही है कि वो मुखिया के अलावा उनके नीचे के जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो मंत्री हैं, उनको बुलाकर फीडबैक ले रहे हैं, तो ये कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, या कितनी संगठित जो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये संगठित होगा या बिखर जाएंगी। सवाल विजेंद्र यहाँ पे उठता है कि बार बार दूसरे मंत्रियों को बुलाना, उनसे बातचीत करके तमाम फीडबैक लेना, इससे क्या जो आपने 2-3 साल पहले एक मुखिया को डेजिग्नेट किया था प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे, पार्टी के मुखिया के तौर पे, उसको वीक करने की कवायद है या फिर कुछ तो है, ये समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और देर सवेर ये सामने आ ही जाएगा कि मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं T-115 के गायब होने से वन विभाग के होश उड़ गए हैं। रामगढ़ विषधारी में 6 दिन से नहीं दिखी है T-115 के पगमार्क, बारिश के चलते ट्रैकिंग में भी करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। रणथंभौर से निकलकर 14 महीने पहले रामगढ़ आया था T-115। हालांकि पहाड़ी पर जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इधर टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषणा के बाद भी रामगढ़ का जारी नहीं किया गया नोटिफिकेशन, प्री बेस बढ़ाने पर भी कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है।